कहलाती जो उन्हें मनाती है, पावन कथा सुनाती है। अदिति नंदन सूर्य देव की कथा सुनाती है, हम कथा सुनाते हैं। सुनाती है अदिति नंदन सूर्य देव की कथा।
पुष्ट तो रखो देवी तन मन, क्यों तुमने उपवास किया है त्याग दिया क्यों मन, गर्भ नष्ट ना हो पाए कश्यप समझाती है पावन कथा सुनाती है, अदिति नंदन सूर्य देव की कथा सुनाती है हम कथा सुनाती है। कश्यप से मिलनी तब जाती है पावन कथा सुनाती है, अदिति नंदन सूर्य देव की कथा सुनाती है हम कथा सुनाती है। करो
जाती है, पावन कथा सुनाती है। अदिति नंदन सूर्य देव की कथा सुनाती है, हम कथा सुनाते हैं। खुश थी संज्ञा से बहुत ही पाए, मनु वयम दो पुत्र जन्मी यमुना पुत्री जाई। सूर्य का तप तेज सहन ना संज्ञा से हो पाया, अपनी छाया को ही उसने प्राणवान बनाया। सूर्य देव तो सब पे ही कृपा बरसाती है, पावन कथा सुनाते शाती है, पावन कथा सुनाती है। अदिति नंदन सूर्य देव की कथा सुनाती है, हम कथा सुनाते हैं। सूर्य देव भगवान करना सबका कल्याण, सूर्य देव की पुत्री तपती तापती नदी कहा। सुबह सवेरे आकी जग रोशन कर जाती है, पावन कथा सुनाती है। अदिति नंदन सूर्य देव की कथा सुनाती है, हम कथा सुनाते हैं। पावन कथा सुनाती है, अदिति नंदन सूर्य देव की कथा सुनाती है, हम कथा सुनाते हैं। ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। बोलिए भगवान सूर्य देव नारायण की। भक्तों, भगवान सूर्य देव नारायण की अनेक अनेक कथाएं वेद पुराणों ने बखानी है। ऋषि मुनियों ने अपनी वाणी सूर्य देव की कथाएं गा गा कर पवित्र की हैं। भक्तों, उन्हीं कथाओं में से कुछ पावन कथाएं जिनमें भगवान सूर्य देव नारायण की कृपाओं का वर्णन है, आज मैं आपको संगीतमय रूप में सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनने मात्र से आपको भौतिक जीवन के समस्त सुख प्राप्त होंगे और जीवन के अंत में सूर्य लोक की प्राप्ति होगी। तो भगवान सूर्य देव नारायण के अनुपम तेज के चरणों में शीश नवाते हुए मेरे साथ एक बार फिर बड़ी प्रेम और श्रद्धा से बोलिए,
बोलिए भगवान सूर्य देव नारायण की। सूर्य नारायण सबसे महान, सूर्य नारायण सबसे महान, सूर्य नारायण सबसे महान, सूर्य नारायण सबसे महान। तम अंधियारा दूर भगाते, तम अंधियारा दूर भगाते, देते मुक्ति धाम। सूर्य नारायण सबसे महान, जनों इनके जन्म की गाथा अद्भुत और अनुपम है, जिसे वेद पुराणों ने बखान किया है। सृष्टि में पहले अंधियारा छाया रहता था भक्तों, फिर ब्रह्मा जी के तेज से एक तेज पुंज का जन्म हुआ, जिसने सारी सृष्टि को प्रकाशित किया। और इधर देवताओं और दानवों के मध्य युद्ध चलता रहता था भक्तों। दानव अधिक शक्तिशाली थे, इसलिए देवताओं को अक्सर ही युद्ध में हरा दिया करते थे। इससे देव माता अदिति को अत्यंत पीड़ा हुआ करती थी। एक दिन माता अदिति सूर्य भगवान के तेज को देख रही थी कि तभी उनके मन में विचार आया, मेरा भी ऐसा ही कोई तेजस्वी पुत्र हो तो कितना अच्छा हो, जो देवताओं का अधिपति बने और इन दानवों को परास्त करे। इस हेतु माता अदिति ने भगवान सूर्य देव का घनघोर तप किया और उनसे वरदान प्राप्त किया कि वो पुत्र रूप में उनके गर्भ से जन्म लेंगे। भगवान सूर्य देव ने माँ अदिति के गर्भ से जन्म लिया, देवताओं के अधिपति बने और असुरों को परास्त किया। भक्तों, आदित्य के गर्भ में आए तभी आदित्य कहाए, देव अधिनायक बन के असुर सब मार गिराए। देव अधिनायक बन के असुर सब मार गिराए। ऋषि कश्यप के लाडले सूर्य नारायण देवा, देवता मिलकर करते दिवाकर आपकी सेवा। देवता मिलकर करते दिवाकर आपकी सेवा। देवों ने मिलकर के गाया, देवों ने मिलकर के गाया आपका पावन नाम। सूर्य नारायण सबसे महान, सूर्य नारायण सबसे महान। जनों, दूजी पावन कथा है उनके और उनके पुत्र भगवान शनि देव के मध्य हुई शत्रुता की। देव शिल्पी विश्वकर्मा की कन्या संज्ञा के साथ सूर्य देव का विवाह हुआ, जिससे उनके दो संतानें थी, यम और यमुना। परंतु संज्ञा भगवान सूर्य का तेज सहन नहीं कर पाती थी, सो अपनी छाया को भगवान सूर्य की पत्नी बनाकर वो तप करने चली गई। छाया से सूर्य देव को शनि देव की प्राप्ति हुई। जब शनि देव के श्याम वर्ण को सूर्य देव ने देखा तो वो अत्यंत निराश हुए और पुत्र को गोद में भी नहीं लिया। तभी से भगवान शनि देव ने अपने पिता सूर्य देव से शत्रुता ठान ली थी। भक्तों, संज्ञा ने छाया छोड़ी, सूर्य की पत्नी बनाकर दिवाकर जान न पाए, रखा था पत्नी बनाकर दिवाकर जान न पाए, रखा था पत्नी बनाकर। छाया से शनि थे जन्मे, श्याम रंग शनि देव का,
सूर्य के मन ना भाए, पुत्र उन्हें मान न पाए। सूर्य के मन ना भाए, पुत्र उन्हें मान न पाए। तब से ही अपने ही पिता को, तब से ही अपने ही पिता को शनि ने शत्रु मान। सूर्य नारायण सबसे महान, सूर्य नारायण सबसे महान। भगवान सूर्य देव नारायण की तीजी पावन कथा एक वृद्धा की है भक्तों, जो भगवान सूर्य का व्रत उपवास रखती थी और इस हेतु पड़ोसन की गाय का गोबर लाकर हर रविवार को अपना घर आंगन लीपती थी, पड़ोसन बुढ़िया से जलती थी। सो एक शनिवार उसने अपनी गैया को घर के भीतर ही बांध दिया। बुढ़िया को अगले दिन रविवार को जब गोबर नहीं मिला तो बहुत उदास हुई। भगवान सूर्य देव नारायण ने बुढ़िया के घर में कपिला गाय और बछड़ा बंधवा दिया। कपिला गाय सोने का गोबर दिया करती थी भक्तों, जिससे बुढ़िया अपना घर आंगन लीपती। पड़ोसन ने ईर्ष्यावश ये बात राजा को बता दी। राजा ने कपिला गाय और बछड़ा रातों रात उठवा लिया। उसी रात भगवान सूर्य देव नारायण ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि बुढ़िया को उसकी गाय और बछड़ा लौटा दो, अन्यथा तुम्हारा राजपाट सब नष्ट करा दूंगा। अगले दिन राजा ने बुढ़िया की गैया लौटा दी और पड़ोसन को बंदी बना लिया। परंतु वृद्धा ने दया दिखाते हुए पड़ोसन को क्षमादान दिलवा दिया। पड़ोसन भी ग्लानी से भरकर बुढ़िया के चरणों में आई। अब हर रविवार दोनों घर आंगन लीपते, भगवान सूर्य का व्रत उपवास करते, द्वादश नाम को गाते, आरती चालीसा का श्रवण गायन करते, गुड़ गेहूं का भोग लगाते। इसी तरह जीवन पर्यंत भगवान सूर्य का नाम लेते लेते जीवन के अंत में वो सूर्य लोक को प्राप्त हुए। सूर्य भगवान की कृपा देखो वृद्धा ने पाई, सूर्य के तेज की शक्ति उसके जीवन में आई। सूर्य के तेज की शक्ति उसके जीवन में आई। रही जब तक जीवित वो सूर्य के नाम को गाई, आया जब अंत समय तो सूर्य चरणों में समाई। आया जब अंत समय तो सूर्य चरणों में समाई। उस वृद्धा को सूर्य देव ने, उस वृद्धा को सूर्य देव ने दिया बहुत सम्मान। सूर्य नारायण सबसे महान, सूर्य नारायण सबसे महान। भगवान सूर्य देव की चौथी पावन कथा है राजा चित्रसेन की भक्तों। राजा चित्रसेन बड़ा ही बलशाली और प्रतापी राजा था। इसी बात को लेकर एक बार उसके मन में अहंकार आ गया भक्तों, और इसी अहंकार के वश उसके हाथों एक ऋषि का अपमान हो गया। उस ऋषि ने राजा को कुष्ठ रोगी होने का श्राप दे दिया। परंतु जब राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ, ऋषिवर के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। श्राप तो फलित होना ही था, सो राजा को कुष्ठ रोग हो गया। परंतु ऋषिवर ने राजा को मुक्ति का उपाय भी बताया। हर रविवार को सूर्य देव को अर्घ्य चढ़ाना, उनका व्रत उपवास रखना, द्वादश नामों को गाना, आरती चालीसा गाकर सायकाल को गुड़ गेहूं का भोग लगाना, भगवान सूर्य देव तुम्हारा कल्याण करेंगे। राजा ने ऐसा ही किया भक्तों। हर रविवार को सूर्य देव को गंगा जल का अर्घ्य चढ़ाता, अक्षत चंदन पुष्प चढ़ाता,
उनका व्रत उपवास रखता, आरती चालीसा गाकर द्वादश नामों को ध्याता। धीरे धीरे भगवान सूर्यदेव ने उसका कुष्ठ रोग ठीक कर दिया और उसे एक पुत्र रत्न वरदान स्वरूप भेंट किया। मिली शक्ति राजा को, अहम जीवन में आया, ऋषि का मान किया ना, श्राप था उसने पाया। ऋषि का मान किया ना, श्राप था उसने पाया। सूर्य आराधन की ना, काया फिर सूर्य से पाई, फिर से खुशियां जीवन में राजा के देखो आई। फिर से खुशियां जीवन में राजा के देखो आई। पुत्र रतन दिया सूर्य देव ने, पुत्र रतन दिया सूर्य देव ने, अपने रूप समान सूर्य नारायण सबसे महान, सूर्य नारायण सबसे महान। तो देखा भक्तों, भगवान सूर्य देव नारायण कितने दयालु, कितने कृपालु हैं। पूर्व दिशा से हर रोज सुबह भगवान अपने सात घोड़ों के रथ पर सवार होकर आते हैं और इस सृष्टि का तम अंधियारा हरण करते हैं। तो आप भी यदि इस घनघोर कलयुग में अपने पाप ताप संताप नष्ट करवाना चाहते हैं तो साक्षात रूप से प्राकट्य भगवान सूर्य देव नारायण का आराधन कीजिए। भक्तों, इनकी तेज को, इनकी किरणों को नमन कीजिए। इन्हें रोज गंगा जल का अर्घ्य अर्पण कीजिए। चंदन अक्षत पुष्प से इनका पूजन कीजिए। हर रविवार व्रत उपवास कीजिए। गरीबों को दान दक्षिणा दीजिए। प्यासों को जल और भूखों को अन्न खिलाइए। फिर देखिए भगवान सूर्य देव नारायण आप पर अपनी कृपा सदा सदा बरसाते रहेंगे। तो मेरे साथ बड़े ही प्रेम और श्रद्धा से बोलिए, बोलिए भगवान सूर्य देव नारायण की। घोर कलयुग से भक्तों मुक्ति जो पाना चाहो तो भक्तों उगते सूर्य को श्रद्धा से अर्घ्य चढ़ाओ। जला के धूप दीप को द्वादश नाम को गाओ, सूर्य चरणों में भक्तों चंदन तिलक लगाओ। सूर्य चरणों में भक्तों चंदन तिलक लगाओ। कलयुग के सब ताप मिटेंगे, कलयुग के सब ताप मिटेंगे, पाओगे निर्वाण। सूर्य नारायण सबसे महान, सूर्य नारायण सबसे महान, सूर्य नारायण सबसे महान, सूर्य नारायण सबसे आप
महिमा।